हेलो फ्रेंड्स, मैं रीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। भगवान की कृपा आप सब पे हमेशा बनी तो रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हमने ले लिया है, घर की ही मटर है जो कि मैंने भिगा दी थी। से अब मटर का सीजन था तो उस टाइम पे थोड़ी वो मटर बो देते हैं, तो ज़्यादा नहीं हुई थी लेकिन थोड़ी बहुत जो भी थी तो वो कुछ दिन के लिए तो खाने पीने के लिए, सब्जी बनाने के लिए या कुछ और अदरवाइज बन जाता है तो हो जाती है। तो थोड़ी सी पीली वाली मटर है जो कि मैंने रात को भिगा दी थी, ये देखिए। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ढा दिया है मटर। जब तक मटर होता था तो चलिए और आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक है, हरी चटनी बनाने के लिए मैंने हरी धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ले लिए मिक्सर में। इसको पीस लेंगे। अब पीसने के बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के जीरा और सौंफ का तड़का दे दिया था। थोड़ा उससे स्वाद अच्छा हो जाता है और थोड़े खट्टेपन के लिए, क्योंकि चिली सॉस थोड़ा सा खट्टा होता है, तो मैंने थोड़ा नींबू डाल दिया। आप चाहे तो चाट मसाला या इमली का रस भी डाल सकते हैं। और उसके बाद लाल चटनी वाली तैयारी कर देते हैं। तो देखिए ये हरी वाली चटनी कितने अच्छी तरीके से बन गई है और खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट होती है। तो इमली समय से मुझे मिल नहीं पाई थी, 1 घंटा पहले इमली ये लेके आए थे, तो ज़्यादा देर मैं भिगा भी नहीं पाई थी ठीक से, उतनी भीगी नहीं थी। तो उसका जो भी पल्प है सारा मैंने हाथ से निकाल लिया है। देखिए इस तरह से मैंने सारा उसका जितना भी अंदर का बिया और वो था उसका खुज्जा सब निकाल दिया था। उसके बाद फिर कढ़ाई में मैंने तेल डाला और जीरा और सौंफ का तड़का दे दिया। उसके बाद उसमें मैंने जो इमली का जो हमने पल्प रखा हुआ था उसको चाय छन्नी की उससे सहारे से छान के मैंने कढ़ाई में डाल दिया। उसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल दिया था रेड वाला, ताकि वो रेड मीठी वाली चटनी लाल रहती है तो उसमें थोड़ा कलर आ जाए। और थोड़ा सा हल्का नमक डाल दिया था और चीनी, और सबको चलाते हुए उसको मैंने अच्छे तरीके से खौला लिया। तकरीबन 5 मिनट खूब अच्छे से खौला लिया था और थोड़ा सा अरारोट डाला था कि थोड़ा सा गाढ़ेपन में हो जाए, एकदम पतली सी ना रहे। देखिए कितने अच्छे तरीके से खौला लिया है मैंने। और 5 या 7 मिनट खौलाने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था, चटनी को ठंडे होने के लिए रख दिया। दोनों चटनियाँ एकदम ठंडी हो जाएंगी क्योंकि गरम गरम चटनी तो उतनी नहीं अच्छी लगेगी। और इधर मैंने आलू उबाल लिए थे, आलू को हाथ से मैंने अच्छे से मिला लिया है, तोड़ के सारे आलू को हाथ से फोड़ते हुए मैंने अच्छे तरीके से मिला लिया है। और उतने आलू में तकरीबन मैंने 100 ग्राम अरारोट लिया था, क्योंकि अरारोट मिलाने से उसकी बाइंडिंग जो होती है बहुत अच्छे से बन जाती है और टिक्की चिपकेगी नहीं तावे में। टिक्की का मेन एक अरारोट भी बहुत मेन काम करता है, क्योंकि टिक्की में अरारोट चाहिए ही। और देखिए मैंने हाथों पे हल्का सा, मैंने ऑयल नहीं लगाया है, पानी लगा के ही, ताकि हमारे आलू हाथ में चिपके ना। इस तरीके से मैंने मीडियम साइज़ की सारी टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली हैं। जितनी मुझे उस टाइम पे ज़रूरत थी खाने के लिए मैंने उतनी ही तैयार की थी। उसके बाद आप तावे पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चिपकेगी नहीं। लेकिन मैंने तावे पे नहीं बनाया, मैंने पैन था नॉनस्टिक, मैंने उसको ले लिया है और सारी टिक्कियों को मैंने इस पे फैला दिया था। 1 बार में जितनी आपकी टिक्की आ जाए आप अपने हिसाब से उतना डाल सकते हैं। और कुछ ना कुछ घर में हमेशा बनता रहता है तो सभी खुश रहते हैं, क्योंकि सबको खुश करने के लिए जो रास्ता है वो पेट से ही होके जाता है, कहा जाता है, बहुत पुरानी कहावत है। तो देखिए हल्का हल्का जब नीचे से ब्राउन हो गया था, तुरंत नहीं चलाया था, मतलब पलटा था मैंने, सॉरी, जब हल्का हल्का जब ब्राउन हो गया तब मैंने इसको देखिए उलट पलट के अच्छे तरीके से मैंने दोनों तरफ से मैंने सेक लिया था। थोड़ा अगर मेरे को तेल कम लगा तो मैंने थोड़ा सा एक 1.5 चम्मच तकरीबन मैंने और ऑयल डाला था। वैसे नॉन स्टिक पैन पे तेल थोड़ा कम ही लगता है। उसके बाद जब दोनों तरफ से पक गई थी ना, तो फिर मैंने थोड़ा दबा के भी उसको पका लिया था। जैसे कि आपने देखा ही होगा ठेले वाले भैया लोग जो भी टिक्की उक्की बेचते हैं, वो बाद में फिर देते समय उसको थोड़ा दबा लेते हैं, ताकि अच्छे तरीके से फैल के भी वो अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाए
और देखिए कितने अच्छे कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। आपको वीडियो में जिस तरह से दिख रहा है उससे काफ़ी और अच्छा हो गया था। और इधर मैंने जो मटर मैंने उबाले थे उसमें मैंने नमक तो डाल दिया था, लेकिन थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा जीरा और मतलब भुने हुए जीरा और सौंफ का पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने डाल के उसको मिला लिया है ताकि वो थोड़ा चटपटा उसमें उसका मटर हो जाए। और हमने इस तरीके से टिक्की रख के फिर मटर डाल के उस पर हल्का सा नमक डाला, हरी चटनी और लाल वाली चटनी और जितने भी हमने मसाले लिए हैं, जैसे कि मैंने सबसे पहले काली मिर्च का पाउडर डाला है और जीरा सौंफ का पाउडर जो मैंने भून के पीसा था वो ले लिया है, चाट मसाला ले लिया है, काला नमक ले लिया और थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च काट ली थी कि जिसको तीखा चाहिए और वो ले लेंगे, जैसे कि अम्मा तीखा थोड़ा ज़्यादा खाती हैं। उसके बाद ये आलू की भुजिया मैंने मंगाई थी और थोड़ी सी पापड़ी वाली सेव थी वो डाल दी है ऊपर से, और फिर थोड़ा सा चटनी डाल देंगे ताकि वो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है दिखने में। तो देखिए ये मेरी टिक्की की प्लेट एक तैयार हो गई है। इधर मैंने बच्चों के लिए भी दो और प्लेट लगा दी थी। उसी तरीके से सेम प्रोसेस से मैंने दोबारा दो प्लेट लगा के तैयार कर ली थी, क्योंकि कोई तीखा खाता है कोई तीखा कम खाता है, मतलब घर में जितने लोग उतने हिसाब से ही बनाना पड़ता है। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बना सकते हैं घर में, क्योंकि बाज़ार की चीज़ें जितना ही हम कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है, घर में अपने बना के अपने हिसाब से खा लें। क्योंकि इतनी ही प्लेट बाहर जाएंगे तो 30-40 रुपए की एक प्लेट मिलती है, और घर में जब हम बनाते हैं तो हम अपने हिसाब से पेट भर के हम खा सकते हैं, और घर का स्वाद कुछ दूसरा ही होता है, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में भी। और एक ये भी रहता है कि हाँ हमने अपने हाथ से बनाई है। तो इधर मैंने दो प्लेट मिर्च वाली तैयार की थी, फिर रिया को दिया मैंने कि हाँ बाहर अम्मा के पास जाके दे आए, क्योंकि वहाँ पे 3 लोग बैठे हुए थे। फिर उसके बाद मैं बच्चों के लिए बाद में लगाऊंगी, और बच्चे सब वेट कर रहे थे खाने के लिए, सबको ही बहुत ज़्यादा ये था कि हाँ कब मिलेगा खाने के लिए। और इधर ये थोड़ा पाव लेके आ गए थे, तो बच्चों ने कहा कि मम्मा एक बर्गर भी बना दो, तो टिक्की थी और बर्गर वाले भी बीच में प्याज टमाटर के स्लाइसेस डाल के चटनी लगा के टिक्की लगा देते हैं, गांव में तो इसी तरीके के बर्गर बनाते हैं। तो मैंने भी नॉर्मल सा ऐसे ही बर्गर बना दिया था। थोड़ा समय तो लगता है लेकिन अपने घर के खाने की बात ही कुछ और होती है। तो रात भी हो गई थी और खाने के लिए तो हमने खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि ये सब खाने के बाद किसी को उतनी भूख भी नहीं रहेगी। तो बर्गर मेरा बन चुका है, ज़्यादा फैशनेबल नहीं लेकिन घर में खाने लायक तो बहुत अच्छा बना था और बहुत टेस्टी भी लगा। और पहले बर्गर मैं ही खा के देखूँगी किस तरीके से लग रहा है, कैसा है मैडम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड करूँ उससे पहले एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।